प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुणे शहर में 3 जगहों पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 6 संदिग्धों में से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस कमिश्नरेट के तहत तले गांव जभाड़ी इलाके में बीती रात 6 अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग की, शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की। तले गांव दभाड़े पुलिस घटना को इस वारदात की जानकारी मिलते ही तुरंत वहां मौके पर पहुंच गई तो स्कूल चौक, हनुमान मंदिर चौक और गजानन महाराज मंदिर नामक परिसर में 3 स्थानों पर 2 बाइक पर सवार होकर 6 अज्ञात संदिग्धों में से 2 ने अपने पास की पिस्तौल से हवा में फायरिंग की। इस फायरिंग मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना स्थल के पास लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की, जिसमें यह घटना अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर्षद साठे नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। अब इस गोलीबारी के मामले में रोहन उर्फ चिंकिया शिंदे और विजय खराड़े नाम के 2 और संदिग्ध के नाम भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले रोहन ने सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों के मन में दहशत पैदा करने के लिए अपनी अलग अलग रीलें बनाई थी, तो उसके करीब 19 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले पुणे शहर में अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। मगर वहीं शहर के अलग अलग जगहों पर हवाई फायरिंग पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।